दोस्तों अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और अभी यहाँ पे मेरा प्लान बन गया घूमने का। जैसे ही मैं अभी थोड़ा आगे जाऊँगा और यहाँ से और अभी मेरा प्लान था थोड़ा बुआखाल की साइड घूमने का, क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ से पौड़ी का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी ज़्यादा चहल पहल है नहीं, लोग अभी दुकान भी नहीं खोली अभी एक्चुअली लोगों ने, और मैं भी उधर जाऊँगा और जाके थोड़ा पता करेंगे कि उधर की साइड से कैसा दिखता है यहाँ। दोस्तों मैं इधर मॉर्निंग वॉक के लिए एक्चुअली घूमने आ रखा था और मैं थोड़ा हाइट पे पहुंच गया हूँ अभी पौड़ी के, और अभी मेरा प्लान है बुआखाल गांव जाने का। यहाँ से बुआखाल 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अभी आधा तो हो चुका है, 2 किलोमीटर बचा होगा शायद। अभी मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ थोड़ा मार्केट वहाँ देखेंगे कैसा मार्केट है बुआखाल का, और वहाँ से यहाँ का व्यू कैसा दिखता है। और कैसा दिखता है अभी यहाँ से, तो ऐसा दिखता है अभी देखो, अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रखा हो क्योंकि अभी फॉग हो रखी है। तो थोड़ी देर बाद शायद बुआखाल से आपको वहाँ यहाँ का व्यू क्लियर दिखे कैसा दिखता है। तो अभी हम जाएंगे आगे और पता करेंगे कैसा दिखता है यहाँ से व्यू। अभी मैं बुआखाल मार्केट पहुँचने वाला हूँ और अभी बज रहे 6:45। तो अभी वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे कि बुआखाल मार्केट अभी कैसा होगा, और थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। और अभी 6:45 में अभी सनराइज़ एक्चुअली हुआ नहीं पूरी तरह से, होने वाला है शायद। अभी यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा बचा है, तो आगे जाके देखते हैं कैसा व्यू आएगा। अभी मैं बुबाखाल मार्केट पहुंच ही चुका हूँ, एक्चुअली जस्ट थोड़ा सा बच रखा है यार। और अभी वहाँ के मार्केट का व्यू देखें कि मार्केट कैसा हो रखा होगा। थोड़ी छोटे सा मार्केट है वैसे बुबाखाल का, इतना बड़ा मार्केट है, 2-4 दुकानें हैं, पर वहाँ से देखेंगे आपको फिर भी पता चल जाएगा कैसा होता है मार्केट। और वहाँ से अभी पौड़ी का व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि पौड़ी का व्यू वहाँ से कैसा आता है एग्जैक्टली, और वहाँ की आसपास की कुछ कुछ जगहों में देख लेंगे हम और पता करेंगे कौन कौन सी जगह है मेन आसपास बुबाखाल के। तो आगे आप वीडियो में देखना और बताना आपको कैसा लगा बुबाखाल मार्केट। तो यार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बुबाखाल मार्केट। तो देखो अभी यहाँ पे पूरा फॉग जैसा हो रखा है एग्जैक्टली, और एंट्रेंस है ये पौड़ी का। एक्चुअली यहाँ पे लिखा रहता है पौड़ी में आपका स्वागत है, यहाँ से कुछ ही दूर पे पौड़ी रहता है। और ये यहाँ पे देखो कैसा फॉग हो रखा है पूरा का पूरा, और शायद ज़्यादातर वीडियो में आपको फॉग ही दिखाई देगा। और ये देखो यहाँ पे लिख रखा है क्या, बुआखाल। तो बुआखाल में बुआखाल आपका में हम स्वागत पहुंच है। चुके एग्जैक्टली और अभी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा मार्केट कैसा। अभी देखो पीछे पूरा फॉग हो रखा है, और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ऊपर से कैसा, अभी तो दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली, अभी थोड़ा कोहरा ही हो रखा है। तो गाड़ियाँ आती जा रही है, हम भी जाते हैं मार्केट पर, देखते कैसा है। बस लोग अभी अपनी दुकान खोल ही रहे हैं, ढाबे में थोड़ी देर में चाय पीऊंगा। ये देखो भाई यहाँ पे एक होटल है, होटल माउंट प्लेजेंट रेस्टोरेंट। अच्छा काफी बड़ा होटल है यहाँ का, देखा है हमने भी। तो अगर यहाँ स्टे करना हो तो यहाँ से व्यूज बहुत अच्छे आते हैं।
इस होटल में भी आप आओगे, एक ही होटल है यहाँ। और ये देखो यार, ऐसा नहीं सोचा था मैंने कितना फॉग होगा, थोड़ा बहुत मैंने समझा था सच छट गया होगा, पर फॉग देखो, टावर लगा रखे यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा कैमरे में। यहाँ से वहाँ का व्यू तो थोड़ी देर में जब थोड़ा सनशाइन होगा तभी देख पाओगे तुम और हम भी, पर यहाँ से भी कितना दिख रहा है वो देखो, दिख रहा है वो थोड़ा बहुत ही दिख सकता है, अभी पूरा नहीं दिखेगा। दोस्तों मुझे ये तो पता था कि फॉग होगा पर इतना होगा ये नहीं पता था यार, और ज़्यादा ही फॉग हो रखा है अभी, शायद थोड़ी देर बाद क्लियर हो, और अभी यहाँ से जो व्यू दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है, पर ऐसा भी कैसा लग रहा है। गाड़ियाँ आ रही जा रही है, थोड़ा चाय पीने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और थोड़ा वेट करेंगे कि कैसा होता है अभी इधर की साइड थोड़ी देर बाद। तो से रूट कुछ ऐसा का 4.5 किलोमीटर है और बाकी ये आसपास के रास्ते श्रीनगर 33 किलोमीटर यहाँ से है। देखो फाइनली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप आ चुकी है और लोग उठ रहे हैं, काम तो लोगों ने अपनी दुकानें तो खोल रखी है यहाँ पे मार्केट पे, और थोड़ा फॉग भी हटेगा थोड़ा थोड़ा, तो आगे हम पता करेंगे कि कैसा होगा यहाँ का व्यू, अभी तो हो नहीं रहा एग्जैक्टली ऐसा। यहाँ पे धूप आ चुकी है एक्चुअली, और अभी मैं थोड़ा आगे अब जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि अब फॉग थोड़ा हट जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से आपका व्यू थोड़ा क्लियर आएगा। और अभी लोग अपने छतों पे ही निकल रहे हैं और गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है देखो पीछे, तो अभी हम आगे चाय पीते हैं फिर निकलते, थोड़ा ठंड है ना एक्चुअली, चाय नहीं पी मैंने सुबह, तो देखते हैं। ये बुआ खाल का जो मार्केट है इतना ही तक है शायद, ये पीछे बोर्ड बुआ खाल का लग रहा है और मार्केट इतना ही तक है, तो थोड़ा आगे एक मंदिर है वहाँ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ से कैसा लगता है इधर का सीन। धूप भी खिल चुकी है, लोग भी बाहर आ चुके हैं और हम रास्ते में जा रहे हैं आगे आगे। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि यहाँ बिल्कुल ही शोर नहीं है यार, और शोर नहीं है तो इसीलिए ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बाकी वैसी जगह पर तो सब रहते ही है। रूट बिल्कुल ऐसा है कि मुश्किल से एक दो आदमी मिल रहे होंगे मुझे शायद, और यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ बहुत बार जा रखे हैं, वहाँ से भी बहुत ही अच्छा दिखता है, तो वहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आपको, आप भी बताना आपको कैसा लगा, और कभी आते हो अगर पौड़ी एक्चुअली तो यहाँ भी घूम लेना यार। मेरे रिकमेंडेशन में घूम लेना। तो यहाँ पे कुछ पुराने पुराने घर हैं और ये एक्चुअली पूरा यहाँ कोई रह नहीं रहा शायद, कबाड़ कबाड़ टाइप का भर रखा है अंदर, इतने अच्छे घर घर लोग छोड़ के चले गए एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार है नहीं और लोग अपने पुराने पुराने घर छोड़ के शहरों में भाग गए, यही हो सकता है वरना ऐसे घर पर तो लोग रह ही सकते हैं ऑब्वियसली, या फिर किसी को रेंटेड भी दे सकते हैं अलाउट करने के लिए अगर यहाँ नहीं रहते तो, पर यहाँ एक्चुअली कोई भी नहीं है और ये शॉप्स की कुछ 4 दुकानें और यहाँ भी कोई नहीं है। ये है वो एक शॉप खुली है बस, और ये बहुत ही अलग टाइप का लोकेशन लग रहा है देखो, और कोई नहीं यही है बस यहाँ पे, इसीलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा शूट करने के दिलचस्पी है। तो ये है वो मंदिर जहाँ हम जाएंगे, थोड़ा हाइट पे भी है, और अभी देखो यहाँ ना थोड़ा टावर्स लग रखे, तो आपको एक स्पार्क की आवाज़ सुनाई दे रही होगी करंट की, सुनी जो बहुत ही खौफनाक टाइप का भी लग रहा है, देखते हैं अभी यह मंदिर कैसा है। ये है मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है,
तो मंदिर के दर्शन हम कर चुके हैं और अभी यहाँ थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि कैसा कैसा है यहाँ मंदिर। अभी पूरी तरह से एक्चुअली बना नहीं, यहाँ काम चल रहा है और यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। यहाँ पे वायरिंग वायरिंग हो रखी है एक्चुअली, अभी ये बन जाएगा अगर आप आते हो शायद जिस टाइम भी, अगर आप वीडियो को देख के आते हो तो बहुत अच्छा है, आना ज़रूर, यहाँ पर बहुत अच्छा है। और यहाँ से ऐसा पूरा पहाड़ी का व्यू दिख रहा है अभी, तो आना ज़रूर, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। और इधर से बुबा खाल भी दिख रहा है और उधर से कुछ रूट्स जा रखे हैं, तो वो रूट्स भी दिख रहे हैं यहाँ से, तो देखो उधर के रूट्स कैसे हैं अभी। तो अभी जैसे मैंने कहा था कि अभी यहाँ काम चल रहा है और अभी बना नहीं है एक्चुअली, तो देख सकते हो आप पीछे भी बिल्डिंग जो आपने अभी देखी, ऐसे उस पर काम हो रहा है। और यहाँ देखो पीछे 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 फॉग हो रखा है, फॉग एक्चुअली हट रहा है धीरे धीरे और हट जाएगा थोड़ी देर पे। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपने, ये भी मुझे बहुत ही अलग टाइप की लग रही है यार, ये पूरे गढ़ वाले आर्किटेक्चर से बन रखी है। और ऊपर देखो ये पत्थर वाले फटले बोलते हैं, नीचे भी ये पूरे पत्थर पत्थर से बन रखी, चढ़ाई हो रखी है। और ये शायद बेसिकली वॉशरूम है, यहाँ जो अभी बड़ा मंदिर बनेगा एक्चुअली हाइट पे, ये बहुत और बहुत बड़ा मंदिर बनेगा फ्यूचर में। और यहाँ फ्यूचर में बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाएंगे शायद, और यहाँ तो पौड़ी वाला एक्चुअली आएंगे, पौड़ी वाले को पता ही होगा, जो पौड़ी वाला देख रहा होगा उसको पता ही होगा एक्चुअली यहाँ के बारे में। आप ही रखे होंगे शायद, आ रखे होगी तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको यहाँ का बुआ खाल का ये जो मंदिर है।